अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिट वाइज ऑपरेटर्स देखने जा रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने टर्नरी ऑपरेटर्स पे बात की थी और कंपैरिजन और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने देखे थे। आज हम बिट वाइज ऑपरेटर को समझने जा रहे हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि जी आपके पास बिट वाइज बिट टू बिट चीज़ों को लेके चलता है, ठीक है। ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है ये बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो जीरो और वन की जबान समझता है, ठीक है। इसके अलावा कोई जबान नहीं समझता बेचारा, उसको सिर्फ एक कंप्यूटर को एक जबान आती है और वो है जीरो और वन। उसके अलावा उसने दुनिया में कोई 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 जबान उसने नहीं सीखी, कोई भी। आप तो यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर का मतलब क्या है कि वो ऑपरेशंस को देखे, वो आप उसे डेसिमल नंबर अगर देंगे, ठीक है, तो वो डेसिमल नंबर्स को बिट वाइज 32 बिट में वो उसको कन्वर्ट करेगा, वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आपको रिजल्ट फिर उसके बाद जो आउटपुट होगी वो आपकी दोबारा डेसिमल में आ जाएगी, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म्स बिट टू बिट ऑपरेशन, ठीक है, परफॉर्म्स बिट वाइज ऑपरेशन। अब इसका अब देखें, आपके सामने मैंने एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दी है, एग्जाम्पल लिखी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा मकसद कोई बड़े नंबर्स के साथ खेलना नहीं है, मकसद आपको कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, बड़ा नंबर लें, ठीक है, 200 लें, 2000 लें, ठीक है। आपने सिर्फ कंसेप्ट समझना है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने वेरिएबल ए लिया है, उसको वन असाइन किया है, मतलब वैल्यू असाइन कर दिया वन, उसको मैंने वन, और बी वेरिएबल ले लिया टू, ठीक है। सिंपल सिंपल मोस्ट एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर आप वन को आप उसका बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं ना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो ये आती है आपके पास 0001। आप इसको खुद से चेक करके देख सकते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। और इसकी जब टू की जब आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये आपका आता है, ये ठीक है, 00010, ठीक है। स्टार्ट वाले कुछ जीरोज मैंने हटा दिए हैं, ठीक है। हमें अब लॉजिकल और क्या कहता है, या बिट वाइज और, ठीक है। बिट वाइज और का मतलब है कि जब आपके पास दोनों में से कोई एक भी वन होगा तो उसका आंसर वन आएगा, ठीक है। बिट वाइज और या एंड गेट भी होगा कि दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आ जाएगा, दोनों में से कोई एक वन होगा तो आंसर वन आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से आइदर ऑफ वन, आइदर ऑफ बोथ शुड बी वन। अब देखिए, अगर हम इसको देखें, ये पहले तो आपके पास सब के सब फोर जो है ना वो सब जीरो है, नीचे भी फोर जीरो है, ऊपर भी फोर के फोर जीरो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका फोर भी जीरो आ जाएंगे। लेकिन जब आप फिफ्थ को देखेंगे, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, आप फिफ्थ को देखेंगे, फिफ्थ में आपके पास जीरो ऊपर आ रहा है, नीचे वन आ रहा है, तो उसका मतलब है आंसर में आपके पास वन आ जाएगा, आउटपुट आपकी वन आ जाएगी। इसी तरह जब आपके पास सिक्स में देखेंगे तो ऊपर आपके पास वन है और नीचे आपके पास जीरो है, ठीक है। जब इस दोनों में से कोई एक वन हो गया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आंसर आपके पास वन आ गया। और जब आप ये 0011 को देखते हैं तो ये आपका डेसिमल में ये 3 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास ए और बी का जो आपके पास आंसर है वो 3 आएगा और आपके सामने 3 है, ठीक है। अब ये जो है इनका मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूँ, जो मैंने ऑनलाइन कन्वर्टर ओपन किया है, मैं आपके लिए चले रीसेट कर देता हूँ इसे, ठीक है। अब मैं वन लिखता हूँ, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये देखिए 001, इसने लास्ट पे इसने वन कह दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ से 5 6 डिजिट्स लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिर रीसेट कर रहा हूँ और टू टू के बाइनरी प्रेजेंटेशन देखता हूँ, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन कर रहा हूँ, और इसका क्या 0010, तो मैंने लास्ट वाले चार पांच उठा लिए हैं, ठीक है। मकसद आपको कंसेप्ट समझाना था। अब अगर इसको मैं फिर रीसेट कर रहा हूँ और 3 को देखता हूँ, तो 3 को मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये आपके पास क्या है, 0011, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या परफॉर्म कर रहा है, आपके पास जब आंसर है वो भी हम बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, आंसर भी 3 आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसे इधर 5 करेंगे, ठीक है, तो इधर आंसर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, ये और अप्लाई कर रहा है। आप अगर 6 करेंगे, ठीक है, 7 आंसर आ जाएगा। अब अगर इस इधर सपोज लिख लेते हैं 60 लिख लेते हैं,
तो 61 आ जाएगा। ठीक है, आप इधर 68 लिखते हैं तो आपके पास 69 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कर रहा है, ये आपके पास बिट वाइज देख रहा है। अब आप देखें इन दोनों का आप कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ पे एंड लेता हूँ, मैं लॉजिकल एंड ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जीरो। ठीक है, अब अगर मैं सिक्स लूंगा तो भी जीरो। ठीक है, 30 लूंगा तो भी जीरो, 40 लूंगा तो भी जीरो, ऊपर को मैं चेंज कर लेता हूँ 48 लूंगा तो भी 32। ठीक है, तो अब आपके पास जो एंड है उसमें क्या डिफरेंस है, एंड में आपके पास वन तब आएगा जब आपके पास दोनों आपके पास वन होंगे। ठीक है, जब ऊपर भी वन होगा नीचे भी वन होगा, जब बोथ ऑफ देम विल बी वन द आंसर विल बी वन, अदरवाइज इट विल बी जीरो। ठीक है, एंड के केस में। लेकिन और के केस में क्या है, और के केस में दोनों में से कोई एक वन होगा तो आंसर वन आएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह लॉजिकल आपके पास एंड है, लॉजिकल और है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास लॉजिकल नॉट है, फिर इसी तरह आपके पास लॉजिकल एक्स ओ आर है। ठीक है, तो आप वो खुद से ट्राई कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको यहाँ पे कंसेप्ट देना था कि बिट वाइज ऑपरेटर किस तरह परफॉर्म करता है, और इसकी ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है। ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स आप बनाते हैं, आप रीड राइट की परमिशन देना चाहते हैं या एक्सेस की, ठीक है, एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहते हैं आप। ठीक है, तो आप उसको एक नंबर असाइन कर देते हैं, वो बाइनरी में असाइन कर देते हैं कि जब ये नंबर कोई डायल करेगा बाइनरी नंबर, तो फिर आपके पास रीड का ऑपरेशन होना चाहिए फिर या राइट का ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, आप वन पे रीड का ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, वन पे आप एग्जीक्यूट का ऑपरेशन आप लगा सकते हैं इस बाइनरी नंबर पे, आप इस पे रीड राइट यानी आप एक्सेस देना चाहें तो आप वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली यूज होती है। मेरा मकसद आपको यहाँ पे इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना था, और अगर आपको ये था आज का बिटवाइज ऑपरेटर, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और फिर टाइप ऑपरेटर्स पे बात करेंगे, और फिर हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो जो है उनका जो लेक्चर्स हैं वो एंड हो जाएंगे, और नेक्स्ट में हम फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ऑपरेटर्स के बाद। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।